जो हमारे पास सिलिकॉन ये वाला जो मास्क है, इसको हमने इतना ड्यूरेबल बनाया है कि आप इसको ट्विस्ट करें, किसी भी तरीके से करें, तो ये कहीं लाइक टूटता नहीं है अंटिल एंड अनलेस आप इसको लाइक सीजर से कट ना कर दें। इसका बनाने का मकसद ही यही था कि लोगों को सिर्फ एक दफ़ा ही लेना पड़े और उसके बाद सिर्फ फिल्टर्स चेंज हो रहे हों। हमारा जो कोर नेचर ऑफ बिजनेस है वो हार्डवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स और उनको डिज़ाइन करना और उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखना जो कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पॉसिबल हो सके। तो इस कोविड के दौरान हम लोगों ने देखा कि मास्क जो थे वो एक तरीके से लग्जरी बन गया था कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो हमने इस सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए और कोशिश की कि पाकिस्तान से जो इतना सारा पैसा हम लोग मास्क की मद में बाहर भेज देते हैं और वही मास्क हम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और उसको कचरे में फेंक देते हैं, तो उसके लिए हमने कुछ डिज़ाइन किया। हमने जो रिसेंटली मास्क बनाया है वो दैट इज़ P95 और उसके अंदर हमने किया ये कि उसको हमने सिलिकॉन लाइक मटेरियल से बनाया ताकि हर किसी के फेस पे फिट हो जाए, कंफर्टेबल रहे। सो हमने जो ये वाला मास्क डिज़ाइन किया इसके अंदर हमने एक सील डाली ताकि ये 10 साल से एडल्ट तक किसी भी लोगों को आ सके। और इसके अंदर सबसे मज़ेदार बात ये की कि हमने इसके अंदर N95 के फिल्टर्स ऐड कर दिए कि इसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है, जो जो हम लोग समझ लें कि N95 में इतने पैसे लगाते हैं, उसकी कॉस्ट हमने ऑलमोस्ट 10 times चीपर कर दी और इसकी जो प्रोटेक्शन है वो भी इंक्रीज कर दी क्योंकि इसकी वजह से आपका फेस बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। तो चाइना में इस तरह के जो मास्क हैं वो पाकिस्तानी 900 rupees के हैं और हम लोग इसको समझ लें कि 300 rupees में बना के दे रहे हैं। तो हमें इस बात पर खुशी हुई कि पाकिस्तान में कोई चीज़ ऐसी बनी, पहली दफ़ा बनी। ये जो मास्क है जो हमने P95 हमने इंट्रोड्यूस कराया, उसका मेजर रीज़न यही था कि लोग इसको कम से कम कॉस्ट में ख़रीद सकें और एक दफ़ा ख़रीदें और एक सस्टेनेबल चीज़ की तरफ जाएं। जो बाकी मास्क हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि नॉर्मल सर्जिकल मास्क आपको 8 hours के बाद थ्रो करना पड़ता है, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है 8 hours के बाद। उसके बाद जो N95 है वो मैक्सिमम 10 days चलता है और वो वॉशेबल नहीं है। हमारे इस तरह के जो मास्क हैं इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि अगर आप इसको ऑयल या किसी पानी में भी डिप करके धो लेते हैं, मतलब कि पानी में अगर डिप करते हैं, तो ये आराम से वॉशेबल है, आप इसको आराम से क्लीन कर सकते हैं और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली। सो बेसिकली हमने इसकी प्रोडक्शन इस वक्त हम लोग तकरीबन 1400 मास्क पर डे के हिसाब से प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं और हम चाहते हैं कि हम इसको एक्सपोर्ट भी करें। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ें और इस कॉज को सपोर्ट करें कि हम मैक्सिमम पोल्यूशन किस तरह से सेव कर सकते हैं।